हाजिर है मंथन के फिर से इस कार्यक्रम में। बात कर रहे थे हम, चर्चा कर रहे थे हम आज के दिन, क्योंकि आज का ही दिन वो दिन है जब भारत आजाद हुआ था। बात कर रहे हैं हम इस देश की दिशा और दशा पर। क्या वर्तमान स्थिति में जो दिशा और दशा है, एक बात ये बनती है कि अगर आप भारत माता की जय नहीं कहते तो आप देशद्रोही। क्या ये बात कितनी प्रमाणिक है और कितनी बात ये सही है, इस बात को कितना मानना चाहिए और कितना नहीं, और इस बात पर जो पूरे देश में चर्चा बहस होती है राजनीतिक रूप से भी, और कहीं ना कहीं आजकल आम लोगों में भी चर्चा का विषय बन गया है, ऊपर चला है नीचे तक आ गया है। क्या ये चर्चा होनी चाहिए? भारत हमारी माता, हम पूर्व से कहते आए हैं वंदे मातरम, लेकिन आज इस पर चर्चा हो रही है, इस पर बातचीत हो रही है, और इस पर ये हो रहा है कि हम कहेंगे या नहीं कहेंगे, इस पर भी चर्चा हो रही है। क्या ये बात सही है? हम ऋषाजी से बात करेंगे, उसके बाद पहुंचेंगे। ऋषाजी, क्या भारत माता की जय ना कहने पर ये जो राष्ट्रद्रोही लगाया जाता है, राष्ट्रद्रोही कह दिया जाता है, उसे कह दिया भारत में रहने का अधिकार नहीं है, तमाम बातें, क्या आपको लगता है ये बात ठीक है? देखिए, मैं इस चीज पर देशद्रोही या इस पर तो इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, मैं इस पर विश्वास ही नहीं करता हूँ। माता शब्द जिस शब्द पे लग गया तो मेरे इस्लाम में ये कहा गया है कि माँ के कदमों तले स्वर्ग होता है, जन्नत जिसे कहते हैं, फिरदौस, ठीक है। जो इस पे माँ शब्द लग गया तो उसको जय जयकार, प्रेजेंट टाइम में मैं समाज में जय जयकार कर दिया, पीछे जाके माँ को मैं एक गिलास पानी नहीं पिलाया, भारत के लैंड को मैं किसी के हाथे बेच रहा हूँ, भारत का सरजमी को मैं लीलाम कर रहा हूँ। तो ये चीजें एक अलग विषय हमारा है कि मैं तो जय जयकार करता हूँ, भारत माता है, अगर मैं भारत माँ है तो माँ को मैं तहदिल से शुक्रगुजार हूँ, मैं उनको सजदा करता हूँ और नमन करता हूँ, और मैं जय जयकार पे इस्तफाक रखता हूँ, मैं इसे इनकार नहीं कर सकता। आप मानते हैं कि जय जयकार कहना चाहिए या नहीं? इस पर कहना चाहिए, अगर भारत माँ है, हम उनको माँ का सम्मान देता हूँ तो उनका जय करना चाहिए, माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। रोहित जी, क्या लगता है भारत माता की जय पर जो आज बहस हो रही है? ओवैसी ने कहा कि भारत माता की जय मेरे गर्दन पे खुरचोई लग दी जाए, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। क्या लगता है आपको, ऐसी भाषा का प्रयोग भारत में हो रहा है? देखिए, ओवैसी की बात करके ये देशभक्ति वाली बात सुनना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं उसको पूरी तरीके से एक देशद्रोही समझता हूँ कि देशद्रोही है वो इंसान, भारत में रहने लायक भी नहीं है मुझे लगता है। और अगर कोई भारत माता की जय नहीं बोल सकता भारत में रह के, तो मेरा वाकई में ये कहना है कि उसको भारत में रहने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। ये बड़ी बात है, ये भी वही आ गए, रोहित जी ने भी कहा कि भारत में रहने का अधिकार नहीं है। जी, लोग अभी जैसे कहते हैं भारत माता की जय नहीं कहा तो मुझे रहने का अधिकार, लोग अपने माँ बाप की जय भी नहीं करें तो क्या माँ बाप के दिल से वो लड़का अच्छा नहीं लगता? वो जबरदस्ती उस घर में रहता भी होगा, लेकिन अगर अपने माँ बाप के चरण स्पर्श नहीं करता, माँ की जय नहीं बोलता, पिता की जय नहीं बोलता, उसी तरीके से देश की जय नहीं बोलता, तो मैं समझता हूँ उसको उस घर में रहने का और उस मिट्टी पर रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। आप इरशाद जी की बात पे कह रहे थे, मैं आप कश्यप जी, क्या लगता है आपको भारत माता की जय? अभी बताया रोहित जी ने कि अगर भारत माता की जय जो नहीं कहता उसे भारत में नहीं रहना चाहिए, और ओवैसी ऐसे लोग जो ऐसी बातों का समर्थन करते हैं वह राष्ट्रद्रोही हैं, इन्होंने तो दे दिया उनको ये प्रमाण कि हाँ वो राष्ट्रद्रोही है। क्या आप कहना, क्या कहना है इस पर? भारत माता की जय, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जय नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कहते हैं कि मैं नहीं कहूँगा उस पर आप क्या? देखिए, उस पर मैं इस्लाम धर्म के बारे में तो ज्यादा नहीं जानता हूं। नहीं, वो इस्लाम की बात यहाँ पे आती नहीं, यहाँ पर तो आती है व्यक्ति ये कहता है कि भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि भारत माता की जय कहना अनिवार्य है। लेकिन हमारे देश में तमाम मुसलमान भारत माता की जय सिंगा ठोक के कहते हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं, वैसे जैसे लोग कहते हैं कि हमारे इस्लाम में है कि हम अल्लाह के सिवा किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे, वो इसको सर झुकाना मानते हैं। आप कहने का मतलब अल्लाह के सामने भी झुकाए और यहाँ भी झुकाए? यहाँ नहीं झुकाना, हमारा तो कहना भारत अल्लाह दूसरी चीज़ हो गई, वो बड़ी शक्ति है। हमारा ये कहना कि भारत माँ, भारत जब गुलाम थे हम तब हमें मालूम था कि देश क्या होता है, और जब देश आज़ाद हो गया तो भारत माता की जय बोलने संकोच हो रहा है। भारत माता की जय तो होना ही चाहिए, इस पर कोई शक ही नहीं। शुभम जी, क्या लगता है आपको, शुरुआत में बात चली थी भारत माता की जय पर, तो बताया कि जो माता तो कहना ठीक है, लेकिन अगर उसी माता के देश में रहकर उसमें माता के साथ में जो इन्होंने बताया कि जमीन बेचने की बात अभी बताई और तमाम बातें बताई कि पैर नहीं छूता है पर्दे के पीछे और वो भारत माता की जय कहता है, ये तर्क था इनका,
जो कहीं ना कहीं दबी आवाज में निकला, लेकिन कहीं ना कहीं निकला जरूर। क्या लगता है आपको कि भारत माता की जय कहने वाले लोग राष्ट्रभक्त हैं और जो नहीं कहते हैं वो देशद्रोही? देखिए, भारत माता की जय एक नहीं हजार बार लाख बार कहेंगे, लेकिन आपके कहने से क्यों कहें? बात ये है, बात ये नहीं है कि जय नहीं कहेंगे, जय कहेंगे, एक लाख बार कहेंगे, दस लाख बार कहेंगे। नहीं, अगर मैंने कह दिया आपसे कि भारत माता की जय कहिए, तो उसमें गलत क्या? आप कौन होते हैं? ये तो मेरा भी राइट है ना, राइट टू स्पीच मेरी है, राइट टू स्पीच आपकी है। आप जो कहेंगे जबरदस्ती थोड़ा ना कि मैं भी वही कहूँ। मैं अलग टाइम कहूंगा, आप अलग टाइम कहो। मैं रात को 12 बजे फोन करके आपको कहूँ भारत माता की जय कहो तो कह दोगे? भाई, सबका अपना अपना स्वतंत्र देश है, कहना चाहिए। मैं मन नहीं कर रहा, भारत माता की जय एक लाख बार कहना चाहिए और हर किसी को कहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ना कहे, कहे हर कोई, भारत का नागरिक है, भारत माता की जय बोले, लेकिन किसी के बोलने से क्यों बोले? आप कौन होते प्रमाण देने वाले? आप कहने का मतलब दबाव ना बनाया जाए, दबाव ना बनाया जाए। मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा देश है, मैं बोलूंगा। आप स्वतंत्र है, आपका देश है, आप बोलोगे। लेकिन इसमें दबाव किस पर बनाया जा रहा है? आप तो कह रहे हैं दबाव बनाने वाली बात, यहाँ दबाव किस पर? तो ये तो स्व इच्छा से है, और जो स्व इच्छा पर प्रहार करेगा उसको कहीं ना कहीं रोका जाएगा। वो लोग कहते हैं कि जब वो कह रहे तब बोलो, भारत माता की जय बोलो। तुम्हारे कहने से क्यों बोले? हम बोलेंगे, एक घंटे बाद बोलेंगे, हमारा जब मन करेगा तब बोलेंगे। मने कोई नहीं कर रहा। दीक्षित जी, क्या लगता है आपको, जो बातें और तर्क मिले शुरुआत में आया और यहाँ तक पहुँचा, यहाँ आया स्व इच्छा पर, क्या लगता है आपको? मैं फिर वही, जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं। यहाँ पे बताया गया है कि जननी जन्म भूमि स्वर्गवादित गरीयसी, और माधव वतन कहा जाता है। आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, कि मन से जो मना कर रहा है वो भी सोच रहा मैं कहूँ, लेकिन जब कहीं उसको लगता है, फियर कंसेप्ट उसके अंदर में आता है, अंदर से घबराता है वो कि हमारी आइडेंटिटी जा रही है, तो जिन लोगों की आइडेंटिटी का सवाल आ गया है वो जरूर विरोध के लिए विरोध करेंगे। जैसे भाई साहब ने कहा, क्यों नहीं कहना चाहिए, हर चीज़ का एक डिसिप्लिन होता है। सुबह आप स्कूल जाते हैं, प्रार्थना होती है, प्रार्थना के बाद भारत माता की जय बोला जाता है। ये मतलब नहीं होता कि जब मर्जी आपने खाना खाने, खाने का भी नियम होता है, ऐसा नहीं है। बट समस्या ये हो रही कि जापान में जब एक जापानी से पूछा जाता है कि आप किसको मानते हैं, बोलते हैं हम बुद्धा को मानते हैं। फिर उसने बोला कि आप ये बताइए कि अगर बुद्धा को और आपके राष्ट्र पर, बुद्धा आपके राष्ट्र पर अटैक कर देते हैं तो आप क्या करेंगे? वो जापानी सीधे बोलता है, बोलो बुद्धा का सर काट दूंगा। जब तक वो फीलिंग नहीं है आपके अंदर, जब तक वो फीलिंग नहीं है, क्या वजह है? एक सिस्टम होता है, हर टाइम आप बंदे मातरम, हर टाइम जनगणमन नहीं गा सकते, चलते फिरते नहीं गा सकते। उसका संविधान के अंदर एक दायरा दिया हुआ है कि कब कब आपको ये चीज़ें करनी है, कब कब करना है, टाइम का कोई मतलब नहीं। अगर आप मना कर, लेकिन जो कोई कट्टरपंथी अपना दे कि हम, मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, तो कट्टरपंथी भी मानता है यही धरती, यही भारत, उसके परिवार की पीढ़ियों से देखभाल करता आ रहा है, उसको ये भी मालूम है कि बाकी कहीं मुस्लिम देशों में कहीं भी जाएं, हमें जो है जाते ही क्या होगा वो जान रहे हैं। बट उनको एक ये डर लग रहा है कि कहीं हमारी आइडेंटिटी खत्म तो नहीं की जा रही इसके बहाने। जबकि अपनी माँ को वो प्यार करता है, अपनी माँ को पूछ सकता है, तो जो धरती जो है सालों युगों युगों से भरण पोषण करती आ रही है, तो उसमें कहीं मलाल नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल खुले मन से। मवेशी को अभी राष्ट्रद्रोही बता दिया गया, क्या आपको लगता है? राष्ट्रद्रोही वो मन से नहीं है, वो सब दिखाने के लिए है, क्योंकि उसकी जो पार्टी है उसको भी कुछ चाहिए ना फीडिंग। और ये चीज़ समस्या यहाँ पे आ रही है कि जो युवा है, वही मैंने संस्कार की बात कही, कि कहीं ना कहीं से जब भटक करके उनके परिवारजन, उनके बड़ेजन, उनके गुरुजन को सही रास्ता नहीं दिखाते हैं, तो इन चीज़ों पे हमेशा निगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। जी, तो जब आप कुछ हंगामा कर दें, कुछ करें, तो आपके 10 लोग निकल जाएंगे। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, 10 लोग नहीं खड़े होंगे आपके पीछे। तो जब इस तरह की बातें आती हैं, तो वहाँ पे हर बंदा जो यहाँ का वो मना नहीं करता है, लेकिन जब प्रभावित होता है बगदादी से, जब कहता है कि अलमाइटी हम ही हैं, तो यहाँ के लोग भी विभूमित होते हैं, और उनको सुधारने की, उनको समझाने की हमारे समाज की जिम्मेदारी है, हमारी पीढ़ियों की जिम्मेदारी है, और हमारी संस्थाओं की जिम्मेदारी, हमारे इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। जी जी, हम बात करेंगे। आरा जी, क्या लगता है आपको? भारत माता की जय बोलना चाहिए, यहाँ पर हम रहा नहीं, आप तो शुरुआत नहीं कह दी है, बड़ी बात है। लेकिन बड़ा जोश था इससे पहले। नहीं, धर्म निरपेक्ष के हिसाब से उनको भारत माता की जय बोलना चाहिए, और जो नहीं बोलता है उसमें जबरदस्ती भी नहीं थोपना चाहिए, इसमें कुरीतियाँ बढ़ेगी, आपस में लड़ाई होगा। जो आप सही दिल से नहीं बोलना चाहता है उसके पीछे फिर उनके शासन करेगा, जबरदस्ती करेगा, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, कहीं ना कहीं एक देश में हिंसा का माहौल पैदा होगा। क्या लगता है आपको बीके जी, ये जो बात है भारत माता की जय पर, क्या लगता है? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये ऐसी चीज़ें आ क्यों रही हैं,
नंबर एक, ये इसलिए आ रही हैं क्योंकि आपने कहा था कि राइट टू स्पीच, क्या राइट टू स्पीच नेशन के अगेंस्ट में बोलने के लिए ही है? जहाँ पे नेशन की बात आती है, जहाँ पे भारत की बात आती है, आप दिक्षित की बातें कटाक्ष कर रहे हैं। मैं आपकी बातें रोहित शुभम जी की, शुभम जी आपने कहा कि राइट टू स्पीच हमें जब मर्जी है मैं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा हमारी मर्जी है, तो ये मर्जी कहाँ से आ गई? और हमें इतना राइट टू स्पीच तो है, ये तो राइट टू स्पीच फॉर व्हाट? राइट टू स्पीच फॉर व्हाट? अच्छा आप अपनी ड्यूटी करने के लिए आप उसका डिवाइडेशन आप ही कर देंगे? नो, हम नहीं करेंगे, आप बोलेंगे हम नहीं करेंगे। ये हमें करना चाहिए, हमें अपने अपने को एक पैरामीटर एक अपना तय करना चाहिए कि राइट टू स्पीच क्या है। क्या नेशन के अगेंस्ट में हम बात करें? क्या आपको मैं गाली दूं? क्या मैं अपनी माँ बहन को गाली दूं? या मैं उसको आदर करूं, प्रणाम करूं, जय बोलूं? हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हमें ये चीजें आती क्यों है? ये क्यों हमें इस तरह के कानून बनाने की जरूरत क्या पड़ रही है? या हमें कि कोई फोर्स क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज हम उस चीजों को भूल गए हैं, अब हम करना नहीं चाहते हैं। राइट टू स्पीच के पर्दे में हम ढेर सारी चीजें ऐसे करते हैं जो नेशन के खिलाफ है, और वो हमें कहीं ना कहीं गड्ढे में ले जा रही है, हमारे यूथ को, हमारे प्रोग्रेस को, और जहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि जहाँ हमें पहुँचना चाहिए हम शायद नहीं पहुँच पा रहे हैं, इतनी बड़ी संसाधन को लेके, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लेके। क्या कहना है आपका इस पर? बिल्कुल सही बोल रहे हैं बीके साहब। जैसा कि आप लोगों ने देखा और सुना भी होगा कि जब ओवैसी के सामने बोला गया कि भारत माता की जय बोलिए, तो उनका वर्डिंग क्या था कि जो इन्होंने कहा वो हम नहीं बोलेंगे, मतलब भारत माता भी वो नहीं बोल सकते, जय की तो बात बाद में है, जो इन्होंने कहा वो हम नहीं बोल सकते, उसको भी वो रिपीट नहीं कर पाए कि भारत माता की जय हम नहीं बोलेंगे। जो आदमी, जो व्यक्ति, जो लीडर इस लेवल की थिंकिंग रखता है, मेरी तरफ से संविधान में ऐसा संशोधन होना चाहिए उसकी लीडरशिप को समाप्त किया जाए और ऐसे लोगों के अगेंस्ट देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। ये तो शुरुआत वाली बात आ गई, रोहित जी ने जो बात कही थी कि देशद्रोही कह दिया जाए और ओवैसी को यहाँ से बाहर भेज दिया जाए, ठीक वही बात आ गई। अच्छा एक बात और, मैं यहाँ पर जनता उपस्थित है और काफी यहाँ पर वरिष्ठ नेता सेनानी भी उपस्थित है, यहाँ पर रिटायर्ड फौजी भी उपस्थित है, मैं बात करूंगा। एक सवाल है और आप लोगों से भी, जो इन्होंने जिन लोगों ने भारत माता की जय का समर्थन किया और खासकर इस बात पर तो हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन एक सवाल और बनता है कि पूरे भारत में आज बलात्कार की जो घटनाएं घटित हो, भारत की माता वो भी है, बेटियां वो भी, क्या ऐसी घटनाएं घटित करने के साथ में क्या प्रमाणिक रूप से भारत माता की जय हो पाती है? आप लोगों का सवाल है, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से भारत में माताओं की इज्जत है, क्या वही ठीक है और भारत माता की जय कहने से ही भारत की माताओं की इज्जत होती? कोई इस पर कोई उत्तर देना चाहता है, कोई इस पर बात, किसी के सवाल? देखिए, इस मुद्दे को अननेसेसरी लोगों ने उठाया है और स्पेशली ये पॉलिटिशियंस ने उठाया है। आप ये बताइए कि हम बाजार में जाते हैं और कहीं सब्जी खरीदते हैं, कहीं हम कास्ट किसी से पूछते हैं? दूसरी बात, ओवैसी साहब का जिक्र भी आया है, तो ओवैसी साहब को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के वोट के लिए, वो सिर्फ जो है फॉर द सेक ऑफ वोट ओनली वो कह रहे हैं, मैं नहीं कहूँ। अरे मैं कह रहा हूँ आप हिंदी में भारत माता मत बोलिए, आप इस्लाम में अगर भारत माता होता है तो हिंदुस्तान, लेकिन वो कह रहे हैं मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, तो हिंदुस्तान के आप नागरिक हैं तो हिंदुस्तान के सम्मान में आप कुछ आपको बोलना चाहिए। अब आप हिंदी में ना बोल रहे हैं, वो जय हिंद कहते हैं, तो जय हिंद कहते हैं भाई, जय हिंद तो हिंदी का शब्द है ना, वो इस्लाम में अगर कोई शब्द है तो वो बोले भाई, भारत के सम्मान के लिए इस्लाम में अगर कोई शब्द हो तो उसको बोले। जिस ढंग से, एक मिनट, जिस ढंग से इस देश में बोलने की आज़ादी है, ओवैसी साहब को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या जो हिंदूज रहते हैं उनकी स्थिति क्या है, वो अगेंस्ट पाकिस्तान बोल करके वहाँ पर रह सकते हैं? वो शायद सर्वाइव नहीं करेंगे। ये सवाल भी ठीक है, लेकिन ये एक सवाल ये भी है, मैं इरशाद जी के पास आऊंगा, ये सवाल ये भी है कि क्या भारत में माताओं बहनों की इज्जत, भारत माता की हम जय तो कह देते हैं, लेकिन क्या प्रमाणिक रूप से जो हमारे भारत में शुरू से लेकर आखिरी तक हमने माता शब्द को बहुत प्रबलता दी है और बड़ी आस्था के साथ उस पर हम अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, शब्द व्यक्त करते हैं, कहीं ना कहीं हर समय सर झुकाते हैं, तो क्या आज के भारत में माताओं की पूर्ण रूप से इज्जत हो रही है जिस तरीके से भारत माता की हम इज्जत करते हैं? देखिए, माताओं का मैं इस सवाल पर जवाब दूंगा, मैं भाई साहब के एक सवाल का जवाब दे दूंगा।
अभी कुछ दिन पहले वीर अब्दुल हमीद की मिसेज फरजाना वो बैठी हुई थी धरना पे, आर के पाटिल प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी, उनका प्रोग्राम लगा था, वो उनसे मिलना चाह रही थी, हमारी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था उनको मिलने नहीं दी, जिसको डिफेंस ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था उनको मार के भगा दिया। तो मैं भाई साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या फरजाना के दिल में क्या वीर अब्दुल हमीद वाली बात अगर याद होगी तो उनकी भावनाओं में क्या समझ में आएगा, केवल मात्र अपने पोता की एक कलर के लिए नौकरी के लिए आई थी कि हमारे पोता को जॉब में रहे, क्योंकि वो गाजीपुर में आज भीख मांग रही है, दर दर की ठोकरें खा रही। तो मैं आपसे व्यक्तिगत आपसे सवाल मेरा यह है कि क्या फरजाना वो भी एक माता थी, उस माता के दिल में क्या उत्पन्न हुआ होगा? देखिए आपके कहने का मतलब क्या है कि कहीं ये ओएसी साहब ने कटा किए, इनका कहना था कि ओएसी साहब का पार्टनर वो था, तो क्या जो व्यक्ति एक फरजाना वीर अब्दुल हमीद बहुत बड़ा नाम रहा है, नहीं बहुत बड़ा नाम रहा है, उनके बीबी के साथ अगर अपमान हुआ तो क्या जिस सिपाही ने उनसे मिलने के लिए मार के धक्के निकाल के भगा दिए, क्या उसके साथ मुकदमा होना जरूरी था कि नहीं था? तो आपका कहने का मतलब सिर्फ इतना है ना कि उस माता के साथ जो सुलूक हुआ, हाँ, वो भी कहीं ना माता और हाँ, माता वो माता उस माता के साथ अपमान हुआ। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि उस माता के साथ अपमान और एक माता का सम्मान, आप यही तो कहना चाहते हैं? आप ये भी कहना चाहते हैं कि पूरे भारत में माताएं सुरक्षित नहीं? नहीं, बिल्कुल कुछ जगह ऐसे आते हैं कि माता शब्द हो जाता है, जैसे अभी एक शब्द आया है कि गौ माता, ठीक। तो हमारा चूंकि तर्क है गौ को आप माता मान लेते, मैं बकरियों तक को भी माता मानता हूँ, मेरा इस्लाम धर्म पहले सिखाता बकरी पालना, आज भी गल्फ में जाएंगे तो एक शेख होगा और पति होगा लेकिन बकरी पालता है, उसको दूध पीता है, एक पशु का पालन करना, ये संबोधित हम ना करें कि हम गौ माता ही कहें, हम गाय को नहीं, वो हिंदू धर्म में अगर उनको माता माने तो आपको दिक्कत। हिंदू मैं भी हूँ, ऑलरेडी मैं हिंदू हूँ, नॉट सनातन, ये सनातन की बात है ना कि हिंदू की बात है, हिंदू मैं भी हूँ, मैं सर्टिफाइड कर रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी ऑल्सो हिंदू नॉट सनातन। अब मुसलमान का तर्जुमा होता है कि मुकम्मल ईमान, जिसके पास ईमान नहीं है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा सजदा करना, जैसे अभी एक बात आई थी कि मैं सजदा नहीं कर रहा, सजदा हमारे और शैतान में ही फर्क था, शैतान के लिए छोटे दरवाजे बनाए गए कि वो झुक जाएगा तो खुदा को सजदा हो जाएगा। कुल मिलाकर बात इतनी है कि कहीं ना कहीं माताओं की इज्जत, हाँ माताओं का इज्जत होना चाहिए, जिस नाम से माताएं जुड़ गई, श्रद्धा हमारी होनी चाहिए, मेरी माँ है गर्भ में मुझे 9 महीना रखी है। एक चीज आप सर ये प्रमाणित दीजिए कि कहाँ पर इज्जत, क्योंकि भारत हम गौ को माता मानते हैं, हम धरती को माता मानते हैं, हम भारत को माता मानते हैं, कहाँ से माताओं की इज्जत नहीं हो, कहाँ से माताएं सुरक्षित? बिल्कुल आप अभी देख लीजिए, अभी ये हुआ है, अभी किसी भी अभी लाल कुर्ती पे चले जाए माताएं रोड पे बैठी हुई, ये छोटी सी मिसाल, लाल कुर्ती के पास जाते हैं माताएं रोड पे बैठी हुई, जिससे अभी 2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी एक्सपायर हो गया। मतलब कि आप कहने का मतलब भारत में माताएं बहनें, मेरी सोच की बात बता रहा हूँ कि ये सोच हमारी, हम क्यों पीछे हैं, हमारी भाई साहब ने जो तर्क रखी, चाइना कहाँ चला गया, चाइना रूस से जांग में काट के नक्शा चुरा के लेकर आ गया, हम दुनिया चंद्रमा पे जा रही मकान बनाने, मैं गाय बकरी में फंसा हुआ, गाय बकरी में फंसा रोहित जी, क्या लगता है आपको? आपने कही कि भारत में माताएं सुरक्षित नहीं है, पहले अपनी घर की माताएं, समाज की माताएं, इनको सुरक्षित करिए, इनको सम्मान दीजिए, फिर भारत माता पर और गौ माता पर चर्चा कीजिए, क्या? देखिए ये बात सच है कि जो है अभी महिलाओं के साथ बलात्कार, रेप और इस तरह के बहुत केसेस हुए हैं, लेकिन शुरू कहना चाहूँगा जितना महिलाएं भारत में सुरक्षित है उतना कहीं नहीं है, और अगर आज पुरुषों के अंदर जितना संस्कार भारत में है उतना किसी भी देश में, और सारा देश महिलाओं को सिर्फ सुख भोगना का साधन समझता है, सारे देश हैं, सिर्फ भारत ही ऐसा है जिसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए माता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मैं इस चीज़ को बहुत ही गौरव से कहता हूँ कि हमारे देश में महिलाएँ जितनी सुरक्षित हैं उतनी किसी देश में नहीं है। हाँ, और सुरक्षित हो जाएँ और बेहतर हो जाएँ इसकी कामना करता हूँ। जी जी, क्या लगता है, माताएँ सुरक्षित है भारत में? माताएँ सुरक्षित हैं,
हमारा सिर्फ इतना कहना है कि कुछ सिर्फ ये देश है, ये बहुत सांस्कृतिक कुछ कुछ चर्चाएं जो तरफ दिए गए अब तक, क्या भारत में माताएं सुरक्षित हैं? हमारा ये कहना है कि भारत में माताओं का बड़ा सम्मान है, हमेशा से रहा है और है भी। कुछ सिर्फ रहे जो बदनाम किए हुए हैं वो हमारे कानून की कमी है। हम ये चाहते हैं कि एक सख्त कानून हो जाए, और यहाँ तक हमारे हम लोगों ने जो पढ़ा शुरू है कि अगर तो कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है, इसका मतलब आप मानते हैं, आप भी मानते हैं? सबके लिए नहीं कहा जा सकता, कुछ असामाजिक तत्व उनके लिए सख्त कानून की आवश्यकता है। मैं कहता हूँ आप ये मानते हैं कि पूर्णतया नहीं लेकिन हाँ कुछ है। हाँ शुभम जी, आप क्या कहना है, माताएं सुरक्षित हैं? एक माता की हम पूजा करते हैं, अरे एक माता को क्या लगता है? देखिए, जहाँ पर सुरक्षित नहीं है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, न्यायालयों में जो केस पेंडिंग है उन्हें सजा नहीं मिल पा रही उनकी कमी है, और हम सबकी कमी है। ये हर एक व्यक्ति की ड्यूटी बनती है कि हम जागरूकता फैलाएं, हम समझाएं लोगों को, सब एक दूसरे, इसमें कहीं ना कहीं संस्कारों की भी शुरू में बात आई, संस्कारों की कमी रह गई। आप मानते हैं कि सुरक्षित नहीं? सुरक्षित है लेकिन 10-20% जो जहाँ कमी रह रही है वो संस्कारों की, लॉ एंड ऑर्डर की, और न्यायालयों में जो पेंडिंग मामले हैं उनकी कमी की। इसमें इसका कारण उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी की आप ही के पार्टी के लोगों की सरकार थी, कहीं ना कहीं उसका भी कारण मानते हैं कि नहीं वो भी दोषी? देखिए, वो तो लॉ एंड ऑर्डर, न्यायालयों में पेंडिंग और संस्कारों की कमी की वजह से पहले ही बात आ गया, अब पुनः उस पर। दीक्षित जी क्या लगता है? यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये वो देश है जहाँ की नारियों का सम्मान जो है लक्ष्मी के तौर पे माना गया है, गृह लक्ष्मी माना गया है, और हमेशा वो चीज़ चल रही है। रही बात की जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बीच बीच में, ये सामाजिक प्रॉब्लम है, उसमें हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने संस्कारों को देखना पड़ेगा। शुरुआत आप उठा के देख लीजिए, जितने भी रिसर्च आ रही है, जितनी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें सबसे पहले कहा गया है कि जहाँ कहीं इस तरह की छेड़छाड़, इस तरह की चीज़ होती है, वो सबसे नज़दीकी कोई व्यक्ति होता है, तो सोच बदलनी पड़ेगी, थोड़ा विवेक रखना पड़ेगा, और विवेक अगर नहीं है तो हमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं। तो कहीं ना कहीं वो बात आती है ना कि पहले इज्जत हम अपने आस पड़ोस की, समाज की माताओं की। आज भी वही है जो पहले थी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, बट अभी जो साधन संसाधन इतने हो गए हैं, मीडिया इतना एक्टिव है कि छोटी सी बात होती है उसको पूरे टाइम पे लाइव दिखा रहा है। घटनाएं तो देखिए, जहां दंड विधान इसलिए रखा गया है कि कुरीतियां होंगी, चोरी होगी, चमारी होगी, इस तरह की चीज़ें होंगी, इसी के लिए शिक्षा देना, संस्कार देना, ठीक है। अगर उससे भी लोग समझ में नहीं आ रहे हैं, विवेक शून्यता आ रही है, तो उसके लिए दंड विधान। जी बात करेंगे। आपने अच्छी बात कही, कहीं ना कहीं वही बात आप पुनः आ गई आपकी, कहीं ना कहीं संस्कारों का कमी। क्या लगता है आरआर जी, आप इन्होंने ठीक बोला है, हर माँ कितने उनको माँ दुर्गा के समान देखना चाहिए, और माँ बाप को अपने बच्चे को शिक्षा अच्छी तरह से देना चाहिए, शासन वाले को सख्ती से पेश आना चाहिए। कहीं ना कहीं आप वही है कि शिक्षा अच्छी दे सभ्यता। क्या लगता है सर, आप क्या कहना है आपका? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे, क्योंकि हमारे यहाँ पहले भी और अभी भी हमारे औरतों को बहुत इज्जत दी जाती है, चाहे इरिस्पेक्टिव कास्ट एंड रिलीजन, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, किसी भी धर्म की हो, उनको हमारे देश में बखूबी इज्जत दी जाती है, उनकी पूजा की जाती है। हाँ, कुछ गलतियाँ हैं जिनको हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है, कुछ हमें सुधरना पड़ेगा, कुछ लॉ है। तो कहीं ना कहीं आप पहली वाली बात जो आपने कही थी कि भारत माता की जय कहना चाहिए, बात तो ठीक है, लेकिन अब आपको लगता नहीं है कि उसी भारत में भारत की माताओं की इज्जत नहीं होती? वो भारत माता ऐसा नहीं है कि इज्जत नहीं होती, मैं अभी पहले आपसे थोड़ी देर पहले कहा है कि हम पूजा करते हैं, औरतों की पूजा की जाती है, उनको रिस्पेक्ट किया जाता है। दिल्ली में निर्भया कांड कोई भूला नहीं। देखिए, ये हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उसी के लिए दुरुस्त करने के लिए हमें अपने आप को कुछ करेक्ट करना पड़ेगा, कुछ हमारे लॉ एंड ऑर्डर को करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो घटित हो रही हैं, शायद इसमें कमी आ जाए। आप मानते हैं कि समाज में सुधार की जरूरत है, सोच के? बिल्कुल, उसके साथ सभ्यता की, और खासकर लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, और इस समय चूंकि रिटायर्ड कर्नल हैं, और इस समय समाज में समाज सेवी के रूप में लीन है, दयाशंकर दुबे। आज हम बात करते हैं, दयाशंकर जी क्या लगता है, भारत माता की जय तो हम कह लेते हैं अपने मन से, दिल से, और ये भी हम हिंदू लोग या कह सकते हैं भारत में कहा जाता है कहीं ना कहीं कि भारत माता की जय कहा जाए, नहीं तो ओवैसी खराब, नहीं तो तमाम लोग। क्या आपको लगता है भारत माता की जय तो कह लेंगे?
लेकिन माताओं की और बहनों की इज्जत जो भारत में जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ रहा है, बलात्कार बढ़ रही है, इस पर आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको ही आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने इतना एक पवित्र पर्व के अवसर के ऊपर ये सब चीज़ें उठाई हैं। मुद्दा जो उठा है इसमें, जहाँ तक भारत माता की जय की आप जो बार बार कह रहे हैं, ओबेसी या नो ओबेसी, ओबेसी इस हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो मात्र कुछ परसेंट हैं जो कि इस तरह की मानसिकता रखते हैं। अब आप मुझसे कहें तो मैं तो अभी भी बैठ करके और जितने लोग यहाँ पर हैं सबसे यही कहूँगा, जोर से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यदि मैं आगे बढ़ के कहूँ, आपका समय नहीं लूंगा, बहुत थोड़ा समय है आपके पास, मैं तो आगे ये कहूँगा कि वंदे मातरम, जो अपनी माँ की वंदना नहीं कर सकता वो क्या भारत माता पर गौरव करेगा। तो आज समाज के अंदर आप उन कुरीतियों पर न जाइए जो कि छुट भैया लोग छोटी छोटी कतिपय घरों में हो रहा है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे समाज के हम, खास करके वो वयस्क लोग जो आर्थिक दृष्टि से पैसा ला के घर में देते हैं और ये भूल जाते हैं कि अपनी कमाई का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो अपनी आने वाली पीढ़ी पर खर्च कर देते हैं, और जो माँ बाप है वो निठल्ले होकर रह जाते हैं अपनी मकान दुकान सब कुछ दे करके। तो यदि मानसिकता बदलनी है तो सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता बदलनी है। बड़ा अच्छा आपने कहा जो शुरुआत घर से हो, बहुत सही कहे, अंग्रेज में भी पढ़ते हैं हम लोग, विद्वानों ने लिखा है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, प्लीज स्टार्ट एट योर होम। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि चाहे कोई भी पार्टी, जब भारत माता की जय और भारत माता की रक्षा है तो हम सबके सब जान लगा देंगे, चाहे वो फौजी हो चाहे सिविली हो। आप क्या बात, ये बात तो बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं भारत माता की जय तो जोश जात कहेंगे, लेकिन ये भी बात है कि दुखी जी ने बताई थी और कहीं ना कहीं शुभम निजी रोहित जी ने भी कहा था कि भारत में सभ्यता और संस्कृति और मानसिकता का की बदलाव की भी जरूरत है। कहीं ना कहीं उस सभ्यता को जो भारत का प्राण है, अस्तित्व है, आत्मा है, उसको उजागर करने की बात है। हम बात करेंगे अगले स्लॉट में, मंथन पर चर्चा आगे जारी रहेगी और अब बात करेंगे विकास पर, विकासशील देश पर। हमारे भारत की जो स्वतंत्रता हुई थी, जिस कल्पना के साथ क्या वो पूर्ण हुआ, जारी है मंथन का कार्यक्रम।